परम पूज्य सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत जी का झारखंड में प्रवास मिला है। प्रत्येक वर्ष संघ के केंद्रीय अधिकारी वो प्रांतों में जाते हैं। एक वर्ष माननीय सरकारवा जी जो पिछले साल आए थे और इस वर्ष परम पूज्य सरसंघचालक जी का प्रवास हमको मिला है। यह जो प्रवास है यह 23 तारीख तक चलेगा। यह पूरे क्षेत्र का प्रवास है। क्षेत्र यानी जिसको पूरा बिहार क्षेत्र हम कहते हैं, उत्तर पूर्व क्षेत्र, जिसमें राजनीतिक दृष्टि से झारखंड, उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार, ऐसे 3 राज्य उसके प्रांत स्तर के कार्यकर्ता यहाँ आने वाले हैं। 20 तारीख यानी कल रांची महानगर में पूर्ण गणवेशधारी स्वयंसेवकों का एक प्रात्यक्षिक है, एकत्रीकरण है महानगर का। उसमें अपनी शाखा में स्वयंसेवक जो अभ्यास करते हैं, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, योग व्यायाम, इसका वो प्रदर्शन करने वाले हैं वहाँ पर। वहीं पर परम पूज्य सरसंघचालक जी का सभी स्वयंसेवकों को मार्गदर्शन भी मिलने वाला है। उसमें आप सब मीडिया के बंधु भी आमंत्रित हैं, लेकिन कृपया ध्यान रखें, आपके माध्यम से सभी स्वयंसेवकों को भी जानकारी हो जाए कि 7 बजे तक संपत्त हो जाए, 7:15 में प्रवेश बंद हो जाए। दूसरा, जो अन्य बैठकें हैं वो हमारी इंडोर बैठकें हैं। उन बैठकों में हम संघ समाज में चलने वाली जो गतिविधियां हैं उसमें काम करने वाले जो स्वयंसेवक हैं उनके साथ हम चर्चा करने वाले हैं। संघ 6 गतिविधियों पर काम करता है। एक है पर्यावरण एवं जल संरक्षण, दूसरा है ग्राम विकास, तीसरा है गौ संवर्धन, चौथा है धर्म जागरण समन्वय विभाग, पांचवा है सामाजिक समरसता एवं सद्भाव, और छठा है कुटुंब प्रबोधन। इन विषयों पर काम करने वाले प्रांत स्तर के, तीनों प्रांत के कार्यकर्ता वो यहाँ आने वाले हैं। अब तक जो काम समाज में चल रहा है उसकी चर्चा हम करेंगे। आगे आने वाले कार्यों में परम पूज्य सरसंघचालक जी का मार्गदर्शन लेकर वो सब अपने अपने क्षेत्रों में जाने वाले हैं। धन्यवाद।